देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,257 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 271 लोगों की मौत हो गई। कल देश में 22,431 मामले दर्ज हुए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 50,17,753 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 93,17,17,191 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 13,85,706 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 58,43,190 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वही बात करें नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीकी और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले शुक्रवार को 79 नए मामले, शनिवार को 89 नए मामले सामने आए और रविवार को 100 नए मामले, सोमवार को 110 नए मामले, मंगलवार को 70 नए मामले, बुधवार को 25 नए मामले, गुरुवार को 55 नए मामले और आज शुक्रवार को 59 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 83,254 से 83,313 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भी भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों को ऐसे ही पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।